हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स की। लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये यूजीसी नेट के न्यू सिलेबस पे बेस्ड है ये टॉपिक। तो ऑफ़ कोर्स आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा और ये टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए। मैंने कोशिश की है कि इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आज आपको कवर कर दूँ इस वीडियो में। तो बेसिकली लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स में हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फीचर्स देखते हैं एक एडोलेसेंट लर्नर की एंड एडल्ट लर्नर की। ये दो टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं। तो इन लर्नर्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके बारे में हम बात करते हैं लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखने वाले हैं लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो बेसिक क्या है इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्नर्स क्या है, लर्नर कौन होते हैं। अ लर्नर इज अ समवन हु इज लर्निंग अबाउट समथिंग, रेदर इट इज अबाउट अ सब्जेक्ट और अ टॉपिक और रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज। तो कोई भी पर्सन जो भी कुछ भी सीखता है, कुछ भी पढ़ता है या किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करता है तो उस पर्सन को हम लर्नर कहते हैं। अब इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हो कि चाहे वो पर्सन एनरोल्ड हो किसी कोर्स में या खुद से वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उन सारे ही पर्सन्स को हम लर्नर बोलेंगे। अब हम जब लर्नर्स को डिवाइड करेंगे तो हम दो बेसिक डिवीजन कर सकते हैं। पहला आपका हो गया एडोलेसेंट, वो लर्नर्स जो किशोर हैं, और दूसरा हो गया एडल्ट, वो लर्नर्स जो आपके अभी मतलब वो जो ऐसे लर्नर्स हैं जो एडल्ट हो चुके हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एडोलेसेंट की जो एज है उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो इस तरीके के दो लर्नर्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, बीइंग अ डिसीजन मेकिंग मेकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि लर्नर्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जब आप डिसीजन मेकर हो आपको उनकी लर्निंग की करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही आपको उनको लर्निंग प्रोवाइड करनी है। जब आपको पता होगा कि उनको किस तरीके की लर्निंग सूटेबल होगी उसी के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन ले पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लर्नर्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनकी लर्निंग को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमें इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़, बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। तो कोई भी चीज़ें, कोई भी स्किल हम ले रहे हैं, कोई मॉडिफाइंग नॉलेज ले रहे हैं या एग्जिस्टिंग नॉलेज ले रहे हैं, कोई बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं या प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारा ही प्रोसेस हमारा लर्निंग कहलाता है। और जो ये काम करता है, जो ये चीज़ करता है उसको हम बोलते हैं लर्नर। ओके, दस लर्निंग इज स्ट्रांगली बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल, कॉग्निटिव एबिलिटी, परसेप्शन, पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। अब लर्निंग किस चीज़ पे बेस्ड होती है, तो लर्निंग आपकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उन पे बेस्ड होती है, सच एज इंटेलेक्चुअल लेवल, कि जो लर्नर है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, वो उसकी थिंकिंग क्या है, वो कितना क्या सोचता है, कैसे सोचता है, तो ये उसका हो गया इंटेलेक्चुअल लेवल। उसके बाद आता है आपका कॉग्निटिव लेवल। तो कॉग्निटिव एबिलिटी भी इसकी सेम ही होती है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्या है, आपकी बौद्धिक स्तर क्या है, ये हम कॉग्निटिव एबिलिटी में प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद परसेप्शन होता है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, वो आपके परसेप्शन हो गया। देन आपकी पर्सनैलिटी की बात की जाती है कि ओवरऑल जो लर्नर है उसकी पर्सनैलिटी क्या है। और उसके बाद हम बात करते हैं एटीट्यूड ऑफ लर्नर की, लर्नर का जो एटीट्यूड है वो लर्निंग से क्या सीखना चाहता है, ये बेसिकली एटीट्यूड ऑफ द लर्नर होता है। तो इन सारे ही फैक्टर्स को देखकर, इन सारे ही फैक्टर्स के ऊपर आपका लर्नर का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफाइन होता है, मतलब उस पर ये इन फैक्टर्स के ऊपर ही इस लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स को बनाया गया है, ठीक है। मतलब अगर हम लर्नर को डिफाइन करेंगे तो इन फैक्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इन फैक्टर्स को हमको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, इनको कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर डिसाइडिंग द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ लर्निंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स। तो अगर आपको ये जानना है कि किसी भी लर्नर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल लर्निंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा इजी वे या मेथड या मोड ऑफ लर्निंग क्या होगी, तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर कॉग्निटिव, एकेडमिक, इमोशनल एंड सोशल करेक्टरिस्टिक्स। तो हम कैसे ये जान सकते हैं कि उनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उनके करेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हमें इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करना पड़ेगा, हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और वो डेटा किस चीज़ पे बेस्ड होंगे, वो डेटा बेस्ड होंगे कॉग्निटिव, एकेडमिक, इमोशनल एंड सोशल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो
कॉग्निटिव होते हैं, एकेडमिक होते हैं, इमोशनल होते हैं एंड सोशल होते हैं। मतलब ये जो टोटल लर्नर का स्किल्स है या लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं अंडर फोर हेड्स, दैट इज कॉग्निटिव, एकेडमिक, इमोशनल एंड सोशल। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लर्नर करेक्टरिस्टिक्स होता क्या है और हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है पढ़ने का, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो देखिए, टीचिंग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिनको टीच करने वाले हो वो कौन से लोग हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है आपका लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स, ये साइकोलॉजी से ओरिएंट हुआ है, कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी से लिंक करता है। और टीचिंग में आपका इसको इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि टीचिंग में भी हम लोग लोगों के बिहेवियर के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। टीचिंग इज ऑल अबाउट मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स, ओके। देन सबसे पहले आपका आता है कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स की। कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेमोरी, मेंटल प्रेशर, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल स्किल, रिमेम्बरेंस, ऑर्गेनाइजेस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन। तो मतलब ब्रेन से या मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे इंटेलेक्चुअल स्किल्स हो, चाहे आपका रिमेम्बरेंस हो, आप कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो अपने माइंड में, आप चीज़ों को कैसे याद रखते हो, कैसे आपका माइंड वर्क करता है, कैसे वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, ये सारी ही चीज़ें, मतलब सारे करेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड हैं, वो आपके आएंगे कॉग्निटिव में, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स में आपके वो सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन टाइप हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, एजुकेशन का नॉलेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट आपका आता है इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स में वो सारी करेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो कि एक पर्सन के इमोशंस से रिलेटेड है, सच एज मूड स्विंग्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इमोशनल अटैचमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब वो हर तरीके की करेक्टरिस्टिक्स जो कि एक पर्सन के इमोशंस से रिलेटेड हो, उनको हम इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। इसके बाद आता है आपका सोशल करेक्टरिस्टिक्स। सोशल करेक्टरिस्टिक्स आपकी होती हैं जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉरल इशूज़ की, वैल्यूज़ की, कल्चर की, रिलीजियस इशूज़ की, पॉलिटिक्स की, एक्सेट्रा। तो मतलब सारी ही सोशल चीज़ें जो एक पर्सन को सोसाइटी से रिलेट करती हैं, जोड़ती हैं, उनको हम सोशल करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जैसे कि आपके कोई भी मॉरल इश्यूज़ को ले लीजिए, किसी भी तरीके के वैल्यूज़ को ले लीजिए, कल्चर को ले लीजिए, रिलीजियस इश्यूज़ को ले लीजिए, तो वो सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड है, मतलब सोशल टॉपिक्स से रिलेटेड है, वो हमारे सोशल करेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, ओके। अब हम सबसे पहले बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर की, कि जो आपका एडोलसेंट लर्नर होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ओके। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूँ, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको मैंने फोर हेड में डिवाइड कर दिया है आपके, ठीक है। पहला मैंने डिवाइड किया है एकेडमिक में, उसके बाद सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। तो जो आपका टॉपिक जैसे बोला है उसी तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स की। एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैं आपको अब डिफाइन करने वाली हूँ कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो प्रेजेंट होती हैं आपके एडोलसेंट लर्नर में। जो एक किशोर है उसके अंदर किस तरीके के करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे और वो, मतलब वो जो एकेडमिक से रिलेटेड होंगे। पहला हो जाएगा डिमांड द रेलिवेंस इन लर्निंग एंड व्हाट इज बीइंग टॉट। तो एक एडोलसेंट होने के नाते एडोलसेंट एक डिमांड करेगा कि लर्निंग में क्या रेलिवेंस उसको पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ रहा है वो, ये सारी चीज़ें उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड होती हैं आपके एकेडमिक से। मूविंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो पहले जो लर्नर था एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो एडोलसेंट लर्नर था वो पहले कॉन्क्रीट चीज़ें पढ़ता था, अब वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मतलब सोचने लगा है, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या है। पहले कॉन्क्रीट के, पहले इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा था, अब वो जनरलाइज कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। जैसे जो छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, जो यंग होते हैं लर्नर्स आपके, वो कॉन्क्रीट चीज़ें पढ़ते हैं, बट जो एडोलसेंट होते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, जनरलाइज करते हैं चीज़ों को, एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई करते हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होंगी? एकेडमिक होंगी, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और किन की है? एडोलसेंट की हैं। हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड एंड एंगेज्ड। अगर कोई एडोलसेंट है, कोई किशोर है, उसको आप चैलेंज करिए और उसको पॉजिटिवली इंगेज करिए,
तो वो अपने लाइफ में मतलब उस टाइम पे बहुत ही हाई अचीवमेंट शो कर सकता है। ये अगेन करेक्टरिस्टिक्स होती है एडोलसेंट लर्नर की। प्रिफर्स एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, अगेन इनको एक्टिव लर्निंग ज़्यादा पसंद होती है, पैसिव लर्निंग नहीं। इनको डायरेक्ट लर्निंग पसंद होती है जो कि सामने हो रही हो, कोई इनडायरेक्टली लर्निंग जो होती है या किसी चीज़ का मॉडल निकालना और उस चीज़ से लर्निंग करना, ये इनको पसंद नहीं होता है। इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, इसके अलावा जब लर्निंग चल रही होती है तो इनको मतलब ये जो इनके पीयर्स होते हैं, जो इनके साथ वाले होते हैं, जो इनके मतलब जो बाकी लर्नर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना इनको बहुत पसंद आता है। तो ये आप मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे बच्चे, जैसे किशोर अपने क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में जिस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सारी ही करेक्टरिस्टिक्स आपके एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। या उनके जो फीचर्स होते हैं रिलेटेड टू देयर स्टडीज़, वो किस तरीके की स्टडीज़ करते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं कॉलेज में या स्कूल में, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, एडोलसेंट लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स में आती है, और हम कह सकते हैं एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स में आती है जो कि एडोलसेंट लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है सोशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। तो ये जो एडोलसेंट लर्नर है इनके सोशल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो मॉडलिंग बिहेवियर अफेक्ट दैट ऑफ ओल्डर स्टूडेंट, नॉट नेसेसरी दैट ऑफ पेरेंट एंड अदर्स एडल्ट। तो अब ये जरूरी नहीं है, ये क्या करते हैं जो लर्नर होते हैं, एडोलसेंट लर्नर होते हैं, ये दूसरों के बिहेवियर को एज अ मॉडल ट्रीट करते हैं, मतलब ये किसी से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनके बिहेवियर को कॉपी करने लग जाते हैं या इमिटेट करने लग जाते हैं, मतलब नकल करने लग जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ये सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही ऐसा करें, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये किसी सीनियर को देख के उनको फॉलो करें या किसी और के बिहेवियर को देख के फॉलो करें, अपनी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनके बिहेवियर को देख के फॉलो करें। तो ये आपके सोशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट ये एक्सपेरिमेंटिंग विद वेज ऑफ टॉकिंग एंड एक्टिंग इन पार्ट ऑफ सर्चिंग फॉर द सोशल पोजिशन विद पीयर्स। तो ये कोशिश करते हैं कि इनकी एक सोशल पोजिशन बन जाए, मतलब आपने देखा होगा स्कूल डेज में मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते थे कि हम कोशिश करते थे कि हम कैसे अपनी एक इमेज बिल्ड करके रहें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हम कैसे एक्ट करते थे, कैसे बात करते थे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और ये इनकी सोशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद एक्सप्लोरिंग क्वेश्चन ऑफ रेशियल एंड एथनिक आइडेंटिटी एंड सीकिंग पेयर्स हु शेयर द सेम बैकग्राउंड। उसके अलावा ये क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, इनका एक ग्रुप फॉर्मेशन के इनका नेचर होता है जिसमें वो सेम एथनिक आइडेंटिटी या सेम रेशियल वाले रेस वाले लोगों के साथ एक ग्रुप फॉर्मेशन कर देते हैं या उनके साथ ग्रुपिंग करने लग जाते हैं जो सेम बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी ग्रुप फॉर्मेशन भी इनका एक सोशल करेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि आपको एडोलसेंट लर्नर में देखने को मिलेगा। फीलिंग फ्राइटेंड बाय द इनिशियल मिडिल स्कूल एक्सपीरियंस, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब मिडिल स्कूल का एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है या आप कह सकते हो जब 9th, 10th या 11th, 12th का टाइम होता है, उस टाइम पे क्या होता है इनके अंदर एक फ्राइटेंड होते हैं ये, मतलब डरे हुए होते हैं उस सिचुएशन को लेकर, और वो मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उनके माइंड में, तो सोशली वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं उस चेंजेस को, ठीक है। तो अगेन ये इनका सोशल करेक्टरिस्टिक्स है। Liking fads and being interested in popular culture, तो इनको जो पॉपुलर कल्चर है जैसे पॉप कल्चर हो गया या आपका वेस्टर्न कल्चर हो गया, तो उनमें बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इनका जो कल्चर मतलब जो एक्सट्रीम कल्चर को लाइक करने का इनका बिहेवियर अगेन स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक इनकी सोशल करेक्टरिस्टिक्स है। सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर विद अटेंशन गेटिंग बिहेवियर, इनका अटेंशन गैदरिंग बिहेवियर जो होता है, इनका अटेंशन गेटिंग बिहेवियर इनका हो जाता है, मतलब ये चाहते हैं कि लोग हम पे अटेंशन फोकस करें, जो हमारे पीयर्स हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं या जो बाकी लोग हैं वो सब हमको अटेंशन दें। तो इनको एक इनका एक बिहेवियर हो जाता है कि इनको एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इनका मतलब डेवलप हो जाता है, ओके। नेक्स्ट होता है इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स में आपके बेसिकली आते हैं मूड स्विंग्स, तो जैसे मूड स्विंग्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं एडोलसेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा। इनकी इंटेंसिटी जो होती है मूड स्विंग्स की वो पीक पे होती है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अभी ये गुस्से हैं और अचानक से खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एडोलसेंट की इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके अलावा जो इनके अंदर आप कह सकते हो इमेंस एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी इनकी इतनी हाई होती है कि ये कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें करना जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलना, गेम्स खेलना या फिर कुछ भी ऐसा करना जो इनकी एनर्जी है, जो इनका मतलब इमेंस एनर्जी इनके अंदर है उसको यूटिलाइज ही कर पाएं। तो अगेन ये भी इनकी एक इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से इनको मतलब इनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ये करते हैं, ठीक है। अ डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड सर्च फॉर एडल्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस। इसके अलावा ये भी चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, और इसके अलावा वो उनकी खुद की
एडल्ट आइडेंटिटी बनाने में लगे रहते हैं, मतलब होते वो एडोलसेंट है बट वो चाहते हैं कि उनकी एक एडल्ट आइडेंटिटी बन जाए और लोग उनको एज अ एडल्ट ट्रीट करें, ठीक है। उसके बाद सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात आती है एंड बीइंग सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। और जब भी जो भी कोई एडोलसेंट होता है उसके अगर आप पर्सनली क्रिटिसाइज कर दीजिए तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उस टाइम पे, और उस वक्त उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप रहता है, मतलब उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं। कंसर्न अबाउट फिजिकल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, और अपनी फिजिकल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। अ बिलीव दैट देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस आर यूनिक टू देमसेल्फ, और उनको लगता है कि जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो यूनिक हैं, सिर्फ उन्होंने वो चीज़ें एक्सप्रेस की है एक्सपीरियंस की, और किसी और की जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स से, ठीक है। उनकी जो फीलिंग्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है दूसरों की फीलिंग्स से। इसके अलावा वो बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं एम्बैरेसिंग सिचुएशन में, रिजेक्शन के सिचुएशन में, या रेडिकूल अगर उनको कोई कर दे, कोई उनको कुछ गलत बोल दे या कुछ बुरा भला बोल दे, तो बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ये आपके सारे इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक एडोलसेंट के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉरल इश्यूज, क्वेश्चन वैल्यूज, कल्चर एक्सप्रेशन एंड रिलीजियस थिंकिंग। तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है एडोलसेंट की कि अचानक उस टाइम पे जब वो एडोल्ट मतलब एडोलसेंट के एज में होते हैं, किशोर के एज में होते हैं, तो उस टाइम पे उनको जो कल्चरल एक्सप्रेशंस होते हैं, रिलीजियस चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं उन चीज़ों को, ठीक है, मॉरल इश्यूज़ को और एग्जामिन करने लग जाते हैं। मतलब जो भी उनको बचपन में सिखाया गया होता है कि आपको ऐसे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो इन सारे वैल्यूज़ को, इन सारे मोरल्स को वो मतलब वो रियल में उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, उनको जज करने की कोशिश करने लग जाते हैं। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं डेमोक्रेसी में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, और उनको डिस्कस करने लग जाते हैं। इसके अलावा दे आर इम्पेशेंट विद द पेस ऑफ चेंज एंड अंडरस्टिमेटिंग हाउ डिफिकल्ट इट टू मेक सोशल चेंजेस, और उनको लगता है कि जो सोशल चेंज है उसको करना बहुत ही ईजी है और ये डिफिकल्ट टास्क बिल्कुल भी नहीं है, और मतलब वो ये बोलने लग जाते हैं कि हमें जो जो चेंज हो रहा है, जैसे भी चेंज हो रहा है, चाहे वो कंट्री में हो, चाहे उनके घर पे हो, चाहे सोसाइटी में हो, तो वो बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो चाहते हैं चेंजेस जल्दी जल्दी आए, ठीक है। उसके अलावा उनके अंदर बहुत ही इंटेंस क्यूरियोसिटी होती है और वाइड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सुएट होती है, फ्यू ऑफ विच आर सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग टर्म। तो जो ये क्यूरियोसिटी होती है या जो उनके अंदर की जो एक्सपीरियंस करने की मतलब आप कह सकते हो चाहत होती है, ललक होती है, वो बहुत कम टाइम तक लॉन्ग रन में सस्टेन होती है, वो इसी टाइम पे आपकी रहती है जब आप एक एडोलसेंट रहते हो। उसके अलावा उनके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखने लग जाते हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। तो ये सारे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक आपके एडोलसेंट की। अब हम बात करने वाले हैं, तो मैंने फोर आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, वो चारों जो एडोलसेंट के थी कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडल्ट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की कि एडल्ट लर्नर के एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो एडल्ट रिक्वायर्स अ बिग पिक्चर व्यू of what they are learning, they need to know how the small parts fit into the larger landscape. तो जब adult कोई सीखता है कोई चीज़ या learn करता है तो वो ये देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बड़े चीज़ की बड़ा चीज़ बनता है, ठीक है। मतलब वो अपनी practices and जो learning है उनको real life या practical life में implement करने लग जाते हैं। इसके अलावा adult जो होते हैं वो result oriented होते हैं, they have specific expectation for what they will get out of learning activities and will often drop out of voluntary learning if their expectation aren't meet. तो उनकी जो expectation होती है वो meet होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो result oriented होते हैं। अगर उनको लगता है कि teaching के through उनका expectation जो है वो meet नहीं हो रहा है तो वो teaching को तुरंत ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा जो adult learning होती है उसमें dropouts बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनी एडल्ट प्रेफर टू लर्न बाय डूइंग रेदर देन लिसनिंग टू लेक्चर्स। उसके अलावा इनको प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती है रेदर देन लिसनिंग टू द लेक्चर। वो लेक्चर को लिसनिंग करना नहीं पसंद करते हैं, वो प्रैक्टिकली में चीज़ों को करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद आपका आता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनी सेल्फ डायरेक्टेड एडल्ट लर्नर्स प्रेफर अ लर्निंग कम्युनिटी विद होम दे कैन इंटरेक्ट एंड डिस्कस क्वेश्चन एंड इशूज़। तो जो आपके एडल्ट लर्नर होते हैं वो चाहते हैं कि जो उनकी लर्निंग कम्युनिटी है मतलब एक कम्युनिटी बन जाए जिसमें उनकी आपस में इंटरेक्ट कर सकें, डिस्कस कर सकें, क्वेश्चन एंड इशूज़ को भी डिस्कस कर सकें।
जिसके आप देखते होंगे हमारे मतलब चैनल पे मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो एडल्ट लर्नर्स हैं, तो आपस में ऐसा क्या होता है कि आप लोग लाइव क्विज करना चाहते हो, तो लाइव क्विज करने का पर्पज़ यही है कि आप आपस में क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हो, जो इश्यूज होते हैं वो डिस्कस करना चाहते हो। तो ये क्या है, ये एक लर्नर की, ये एडल्ट लर्नर की सोशल करेक्टरिस्टिक्स हैं। मोस्ट एडल्ट लर्नर हैव न्यूमरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट टू फैमिली फ्रेंड्स कम्युनिटी एंड वर्क। कार्विंग आउट टाइम फॉर लर्निंग एफेक्ट्स अडल्ट लर्नर। तो इनके लिए जो टाइम निकालना होता है बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि इनकी प्रीवियसली जो सोशल कमिटमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल कमिटमेंट की वजह से इनकी लर्निंग इफेक्ट होती है। उसके अलावा इनकी एक और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि एडल्ट हमेशा चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, कभी भी उनको कोई भी जो भी उनकी लर्निंग हो रही है उसमें कोई भी उनके साथ मिसबिहेव ना हो, या उनको उनकी खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके साथ कहीं पे भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर्स की क्या होती हैं एडल्ट लर्नर की, चलिए देख लेते हैं। एडल्ट टिपिकली प्रिफर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन, दे लाइक ऑप्शंस एंड चॉइस ऑफ देयर लर्निंग एनवायरमेंट। इवन एडल्ट फील एंजाइटी फ्रॉम सेल्फ डायरेक्शन मे लर्न टू अप्रोप्रिएट दिस अप्रोच इफ गिवन प्रॉपर इनिशियल सपोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि एडल्ट को एंजाइटी फील नहीं होती है लर्निंग में, एडल्ट्स को भी एंजाइटी फील होती है, बट उसके लिए इनको इनिशियली अगर अच्छे से सपोर्ट किया जाए तो उनकी एंजाइटी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। बट इफ़ वी कंपेयर दैट विद द एडोलसेंट लर्नर्स, एडोलसेंट में एंजाइटी वो चलती रहती है, ऑन गोइंग होती है, ठीक है, और वो इंक्रीज होती है विद द टाइम। उसके बाद एडल्ट जो होते हैं वो उनके अंदर एक जो फीलिंग होती है वो होती है सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन की, वो खुद को डायरेक्ट करते हैं और उनके अंदर खुद की सेल्फ कंट्रोल की फीलिंग होती है, जबकि एडोलसेंट को डायरेक्ट करना पड़ता है और उनको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड फिजिकल कंडीशन, एडल्ट लर्नर मे अक्वायर साइकोमेट्रिक मोटर स्किल्स more slowly than younger students and have more difficulties reading small fonts and seeing a small image on the computer screen। तो आपको ये पता है अगर आप adolescent और learners को adult learner को आपस में compare करिए तो adolescent जो होते हैं उनको चीज़ों को सीखना बहुत easy होता है, उनके लिए जो technology होती है tech savvy होते हैं, वो technology को सीखना बहुत easy होता है, उनकी जो फिजिकल कंडीशन होती है एज होती है वो भी बेटर होती है एडल्ट लर्नर के कंपेरिजन में, और वो जो साइकोमोट्रिक मोटर स्किल्स होती हैं मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई या तुरंत रिएक्ट करने वाली जो स्किल्स होती हैं ये जो आपके एडोलसेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेटर होती है। थ्रू एक्सपीरियंस एडल्ट मे फियर अ सब्जेक्ट, हैव एंजाइटी अबाउट अ सब्जेक्ट और फील एंगर अबाउट फोर्स चेंजेस इन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पॉलिसीज। दीज इमोशंस कैन इंटरफेयर विद द लर्निंग प्रोसेस। और एडल्ट्स के साथ क्या होता है, उनको विद द टाइम उनको एक सब्जेक्ट के साथ फियर हो जाता है, जैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जिनको थ्योरी सब्जेक्ट से फियर हो, या हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा फियर हो, तो इस तरीके के एडल्ट जो होते हैं उनको एक फियर डेवलप हो जाता है और यहाँ इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, और जब भी कोई भी चेंज होता है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में तो वो बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। जैसे देखिए नेट का सिलेबस चेंज हुआ तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए कि क्यों ये चेंज हो गया सिलेबस में, ठीक है, तो इस तरीके का जो चेंज होता है उनको वो पसंद नहीं होता। यही कोई एडोलसेंट होता वहाँ पे उसको लगता 16-17 ईयर्स का लड़का होता तो उसको लगता कि इट इज़ ओके इट्स फाइन, मैं कभी भी इसको पढ़ सकता हूँ, कभी भी मैं चेंज के साथ कोप कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस होता है आपका एडल्ट एंड एडोलसेंट के साथ। फिर आपका आता है एडल्ट लाइक टू गेन कॉम्पिटेंस इन वर्क प्लेस स्किल एज इट बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव सेल्फ इस्टीम। तो ये यहाँ पे क्या है, उनको कॉम्पिटेंस बहुत ज़रूरी होती है, वो चाहते हैं जहाँ पे वो लर्निंग कर रहे हैं जैसी भी वो लर्निंग कर रहे हैं तो वहाँ पे वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है और सेल्फ इस्टीम है वो हमेशा बूस्ट होता रहे। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स। तो एडल्ट लर्नर की जो कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एडल्ट लर्नर ऑफन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन सक्सेस और फेलियर एट लर्निंग। तो ये एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो खुद लेते हैं, कि जो भी उनको फेलियर है या सक्सेस है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। बल्कि जो एडोलसेंट होते हैं, अगर एडोलसेंट की बात करें तो वो उस चीज़ को अपने टीचर्स पे डाल देते हैं, अपने स्कूल पे डाल देते हैं, स्कूल करिकुलम पे डाल देते हैं, तो इस तरीके से एडल्ट अपनी फेलियर एंड सक्सेस को ईजिली मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड दे आर रेडी टू लर्न, दे आर मोर इंटेलेक्चुअली स्टेबल देन एडोलसेंट। और ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और रेडी होते हैं, इनको कोई भी चीज़ सिखाने की आप कोशिश करिए तो वो रेडी होते हैं, उनको लगता है उनके बेनिफिट के लिए सिखाया जा रहा है। जबकि एडोलसेंट को कोई भी नई चीज़ सिखाना बहुत टफ होता है, उनको कोई भी नए डायरेक्शन में मूव करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और वो इंटेलेक्चुअली स्टेबल अडल्ट आपके इंटेलेक्चुअली स्टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, एडोलसेंट जो होते हैं वो आपके इंटेलेक्चुअली स्टेबल नहीं होते हैं उतने।
दे आर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड। अब आपके एडल्ट जो हैं वो ऑटोनोमस होते हैं, उनको सारी चीज़ें खुद से करना पसंद होता है, और ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको आपको मैनेज नहीं करना पड़ता है। जबकि जो एडोलसेंट होते हैं उनको आपको उनकी लर्निंग को मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका दे वॉन्ट टू अप्लाई न्यू नॉलेजेस एंड स्किल इमीडिएटली। जो एडल्ट होते हैं आपके, वो जब भी कोई नॉलेज ग्रैप करते हैं या कोई भी नॉलेज उनको मिलती है तो वो उसको तुरंत ही अप्लाई करने को सोचते हैं। वो चाहते हैं कि उसका तुरंत वो अप्लीकेशन देखें कि प्रैक्टिकल अप्लीकेशन क्या है, ओके, वो रियल लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ये आपका एडल्ट की करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट मैं पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बताने वाली हूँ कि एडल्ट एंड एडोलसेंट में कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं और क्या उनके में बेसिक डिफरेंसेस है। तो मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसमें मैंने साथ साथ में कंपैरिजन किया हुआ है। अगर आप वीडियो को दो तीन बार देखोगे तो आपको एकदम याद हो जाएगी चीज़ें कि क्या क्या कंपैरिजन है। तो एग्जाम में अगर आपको कंपैरिजन पूछा जाता है या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर कंपेयर किया गया हो, वहाँ पर आप इजिली आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ, सोशल एंड पर्सनल क्वालिटी के बीच में कंपेयर किया जाता है। जो एडल्ट होते हैं उनका क्या होता है, उनके वो स्टेबल होते हैं, उनकी जो पर्सनल क्वालिटी होती है वो होती है कि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है। बल्कि जो एडोलसेंट होते हैं आपके, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, वो इतने स्टेबल नहीं होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो एडोलसेंट होते हैं उनके अंदर ग्रोथ जल्दी होती है, उनका डेवलपमेंट जल्दी होता है। एडल्ट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो उतना जल्दी नहीं होता है। विलिंगनेस की टू लर्न की बात करें तो एडल्ट जो होते हैं वो विलिंग होते हैं, ठीक है, लर्न करने के लिए, और जो एडोलसेंट होते हैं वो विलिंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ ऐसे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडल्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका एडोलसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम टिक करते जाएंगे। सोशल एंड पर्सनल क्वालिटी एडल्ट में बेटर होती है, पॉजिटिव होती है, इनमें उतनी पॉजिटिव नहीं होती है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एडोलसेंट में होता है, एडल्ट में होता नहीं होता है। विलिंगनेस टू लर्न एडल्ट में होता है, एडोलसेंट में नहीं होता है। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर, जो एडल्ट होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है, पॉजिटिव इंटरेस्ट होता है। जो एडोलसेंट होते हैं उनकी इंटरेस्ट को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा मूव्ड होते हैं, तो इसलिए हम उनको पॉजिटिव बनाते हैं। तो एडल्ट और एडोलसेंट में यहाँ पे हम टिक कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज हो सकता है, इजिली एडजस्टमेंट टू चेंज। एडल्ट बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं चेंज के साथ, सॉरी, इजिली एडजस्टमेंट टू चेंज। तो जो एडल्ट होते हैं वो चेंज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, एडोलसेंट आपके चेंज के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। इंटरनल मोटिवेशन, एडल्ट जो होते हैं वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, एडोलसेंट जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं। सोशो कल्चरल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो सोशो कल्चरल बैकग्राउंड में जो एडल्ट होते हैं उनका बैकग्राउंड ऑलरेडी बना होता है, स्टेबल होता है और बना हुआ होता है। जो एडोलसेंट होते हैं वो सीख कर रहे होते हैं कि वो अपना सोशल कल्चरल बैकग्राउंड बना लें, ठीक है। लर्निंग पावर जो होती है एडल्ट में कम होती है, ठीक है, एडोलसेंट में बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी की वजह से अगर वो एनर्जी को अपने पॉजिटिवली लर्निंग की तरफ डाइवर्ट कर दे तो उनके अंदर लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नर्वसनेस दोनों के अंदर होती है, बट एडोलसेंट के अंदर ज़्यादा होती है, एडल्ट के अंदर कम होती है। अप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी, एडल्ट जो होते हैं वो अप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी में थोड़ा पीछे रह जाते हैं एडोलसेंट के कंपैरिजन। मतलब एडोलसेंट होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, वो जिस चीज़ को चाहें उस चीज़ को वैसे क्रिएटिवली मोल्ड कर सकते हैं, बट जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर उतनी क्रिएटिविटी नहीं होती है। यही रीज़न है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, जो छोटी सी एज में भी बहुत सारी डिस्कवरीज इन्वेंशन कर देते हैं। तो ये रीज़न है आपका, जो मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई नो बहुत लेंदी टॉपिक था ये लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स, बट आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा और समझ आ गया होगा आपको। अगर ये टॉपिक में थोड़ी बहुत भी डिफिकल्टी है तो आप एक दो बार और ये वीडियो दोबारा देखिएगा, उसके बाद एक एक पॉइंट का अगर आप हो सके तो नोट्स क्रिएट करते रहिए। अगर आप नोट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, आप वर्किंग हैं या आपको नोट्स को प्रिपेयर करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, हमने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ पे। मैं आपको इन नोट्स को, मतलब वो पेड नोट्स होंगे और मैं उन नोट्स को आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। तो बेसिकली जो हमारा ईमेल आईडी है knowledgeword1241@gmail.com, आप अबाउट चैनल के अबाउट से भी उसको देख सकते हैं, वहाँ पर दिया हुआ है। Okay, so that's it. That is the end of the lecture. Thank you so much. Keep on watching. Keep on learning.